दोस्तों क्या आप भी हमारे देश की सेना में शामिल होना चाहते हैं? मेरा मतलब इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में या फिर इंडियन एयरफोर्स में। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको हमारे देश की तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल एमके ज्ञानविष्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे देश की तीनों सेनाएँ अलग अलग सल्यूट क्यों करती हैं। दोस्तों हमारे देश की सेना दिन रात बॉर्डर पर खड़े होकर देश की रक्षा करती है, उनका कर्ज हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। तीनों सेनाओं थल, जल और वायु सेना के अपने अलग अलग कार्य होते हैं और दोस्तों इनके अपने अलग अलग नियम भी होते हैं। दोस्तों इन तीनों सेनाओं के किए गए सल्यूट देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन वाकई ये काफ़ी अलग अलग होते हैं और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय थल सेना। दोस्तों भारतीय थल सेना के जवान खुले पंजे से सल्यूट करते हैं, उनके हाथों की सारी उंगलियाँ सामने की ओर खुली रहती हैं और बीच की उंगली और अंगूठा सिर की ओर आईब्रो तक होता है। दोस्तों इस सल्यूट में खुली हथेली विश्वास को दर्शाती है। और दोस्तों सल्यूट में दाहिना हाथ उपयोग में इसलिए लिया जाता है, इसका मतलब है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है, उनका दाहिना हाथ जो है वो सलामी देने में लगा हुआ होता है, इसीलिए सल्यूट करते वक्त वो किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों भारतीय वायुसेना। पहले वायुसेना के जवान आर्मी की तरह ही सल्यूट करते थे, लेकिन 2006 से वायुसेना के जवान सलामी देते समय इस तरीके का अनुसरण करते हैं। इस वायुसेना के पूर्व में सेना की शैली का अनुसरण किया जाता है। दोस्तों ये सल्यूट विमान के आकाश में उड़ने का संकेत देता है, जैसा कि वायुसेना का आदर्श वाक्य कहता है, टच द स्काई विद ग्लोरी। जलसेना। दोस्तों इंडियन नेवी के जवान भी अलग तरीके का सल्यूट करते हैं, लेकिन दोस्तों हम सबको तो यही लगता है कि वो एक जैसा ही सल्यूट करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम सब कभी उनके सल्यूट पर बिल्कुल गौर ही नहीं करते। तो चलो दोस्तों जानते हैं कि इंडियन नेवी के सल्यूट करने का तरीका क्या होता है। इंडियन नेवी के जवान खुली हथेली से सल्यूट करते हैं, उनकी हथेली थोड़ा नीचे की तरफ रहती है और इस तरीके के सल्यूट करने के तरीके को तर्क दिया जाता है कि पुराने ज़माने में नेवी के जवान जहाज़ में काम करते थे तो उनके हाथ गंदे हो जाते थे, इसे छिपाने के लिए वे इस तरह से सल्यूट करते थे, तभी से ये ट्रेंड बन गया था। दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि भारतीय सेना में तीनों सेना के जवान अलग अलग सल्यूट किस तरह से करते हैं। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।